हम रेडी हो चुके हैं स्नान करके। ये देखो दोस्तों, और अब हम जाएंगे मंदिर। आपको पता ही है कौन सा मंदिर में जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कोई भी वस्तु ले जाने परमिशेबल नहीं है, तो हमें हर एक चीज़ बाहर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर कोई जाता है तो वो रुद्रा खरीद सकता है इनसे नाम से। एंड ये देखिए भैया, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत नज़ारा मिलते हुए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सारा सिस्टम। लोग काले काले लग रहे होंगे, लेकिन कोई भी काला काला नहीं है। अभी हम अंदर जा के आए हैं। एक बहुत ही अलौकिक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बाबा का दर्शन कर लिए। और आप सब को हैव अ नाइस डे। मौका मिले तो आप हर आने का कष्ट करें। अगर आने का आपको मौका मिले और अवसर प्राप्त हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि हमारा कोई प्लान था नहीं एक्चुअली में। उसके बावजूद हमारा अचानक से सडनली प्लान बन गया और हम आ भी गए। और हमने कभी भी 2-3 महीने पहले प्लान नहीं किया था, अचानक से प्लान बना और आज देख लो दर्शन हो गए। आप लोग भी आइए और आशीर्वाद दीजिए प्लीज। महादेव का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे, जो और कहीं नहीं मिलेगा। दी अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। The amazing crowd, the amazing sculptures that you experience here. The Almighty Shiva is in front of you. अब हम जाएंगे काल भैरव और श्री महाकालेश्वर के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से सीधा काल भैरव जाएंगे। हमें ये भैया लेके जा रहे हैं। कैसे हो भैया आप? अच्छे बढ़िया एकदम। हमारे साथ में हमारे कुछ साथी भी है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये देखो, ये सारे पीछे वाले दोस्त हमारे साथी है, दिख रहे होंगे शायद आपको। और अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा है हमारा। आई होप कि आगे का सफर भी बहुत अच्छा रहे। आपको अब हम मिलेंगे श्री काल भैरव के मंदिर के वहां पर।